नमस्कार, लखनऊ के क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आप ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जानने की रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, न्यूज को बिना स्किप किए न्यूज के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये खबर आपके लिए हो सकता है बेहद खास। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की ताजा खबर। आजम खां के मुकदमे में भी हारेगी भाजपा सरकार, पोल खुलनी शुरू हो गई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के झूठ की पोल खुलनी शुरू हो गई है। सरकार को आजम खां के मामले में भी हार मिलेगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। बता दें कि रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं और उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट किया, जिस प्रकार हाथरस कांड में भाजपा सरकार ने झूठ की पोल खुली है, उससे उत्तर प्रदेश में झूठे मुकदमों की कलई खुलनी शुरू हो गई है। न्यायपालिका और लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आजम खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे में भी राज्य सरकार को हार मिलेगी और उन्हें बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। गायों को लेकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा गोमाता के शव की तस्वीरें देखकर मन विचलित। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गायों की मौत पर चिंता जाहिर की है। प्रियंका ने पत्र में लिखा कि ललितपुर के सोजना से आई गोमाता के शवों की तस्वीरें देखकर मन विचलित हो गया है। अभी ये विवरण नहीं मिले हैं कि इन गायों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, लेकिन तस्वीरों से लग रहा है कि चारा पानी न मिलने की वजह से ही मौतें हुई हैं। देखकर लगता है कि कई दिनों की भूख और प्यास से धीरे धीरे हुई पीड़ादायक मौतें हैं। जी हां, प्रियंका गांधी ने लिखा कि दुखद यह भी है, यह इस तरह की पहली तस्वीर है। इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आती रही है। इस बार इन पर कुछ देर के लिए चर्चा होती है, लेकिन इन मासूम जानवरों को देखभाल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जी हां, प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता में आने के समय आपने गोवंश की रक्षा और गौशालाएं बनवाने की बात की थी, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस संदर्भ में आपकी घोषणाओं के बावजूद सरकार के प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। गायों की भलाई के नाम पर गोवंश की दुर्दशा की जा रही है। गौशालाएं खोली गई, मगर सच यह है कि वहां गोवंश को चारा और पानी नहीं, सिर्फ असंवेदनशीलता मिलती है। अफसर व गौशाला संचालक पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे प्रदेश में हर दिन न जाने कितनी गायें भूखी प्यासी मर रही है। लखनऊ के हरसरायमल श्यामलाल ज्वेलर्स के शोरूम व घर में आयकर विभाग का छापा। जी हां, टैक्स चोरी होने की मिली चर्चा। जी हां, राजधानी लखनऊ में फोन मॉल के निकट गोमती नगर स्थित HSJ ज्वेलर्स के शोरूम और गोमती नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। जी हां, बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के अंदेशे में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी, पुलिस विभाग में हंडकंप मचा। जी हां, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को एक अनजान कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की जानकारी पर पुलिस विभाग में हंडकंप मच गया। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच DCP साउथ को सौंप दी है। जी हां, दरअसल सोमवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर कॉल आई, जिससे पुलिस विभाग भी सकते में आ गया। मामले की सूचना मुख्यालय व सभी जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई। सर्विलांस सेल को नंबर की लोकेशन दिल्ली मिली है। पुलिस टीम धमकी देने वालों के डिटेल निकालने में जुट गई है। लखनऊ में जमीन धंसने धराशायी हुई पुरानी मार्केट, दुकानदारों को हुआ लाखों का नुकसान। जी हां, राजधानी लखनऊ के चौक के कोनेश्वर चौराहा स्थित ऑटो पार्ट्स व गाड़ियों की रिपेयरिंग की एक दुकान जमीन धंसने से धराशायी हो गई। हादसे में दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। जी हां, सुबह हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं अगर किसी को समय हादसा हुआ होता तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते थे। रोजाना मार्केट में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सुबह का वक्त होने से मार्केट बंद थी। दुर्घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। KGMU दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति बोले संस्थान के गौरव को बरकरार रखें मेडल पाने वाले छात्र छात्राएं।
जी हां, केजीएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केजीएमयू के एलुमिनाई देश विदेश में फैले हुए हैं। मेडल पाने वाले छात्र छात्राएं केजीएमयू के गौरव को बरकरार रखने का संकल्प लें। राष्ट्रपति सोमवार को केजीएमयू के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा व्यावसायिक न होकर सेवा भाव की शिक्षा है, इसलिए मानवता की सेवा के लिए कदम से कदम मिलाकर चले। कोरोना के खिलाफ विश्व का सबसे लंबा मास्क लॉन्च करेंगे सीएम योगी, खादी विभाग कर रहा है सहयोग। जी हां, यूपी के खादी विभाग के सहयोग से विश्व का सर्वाधिक लंबा मास्क तैयार किया जा रहा है। इस मास्क को लखनऊ के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी तैयार कर रहे हैं। रविवार को खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग के ऊपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने ओड्रा फाउंडेशन द्वारा आयोजित खादी फैब्रिक हैंड ओवर सेरेमनी में डिजाइनर मनीष त्रिपाठी को मास्क बनाने के लिए सूबे के 75 जिलों से प्राप्त खादी का कपड़ा हैंड ओवर किया। जी हां, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि खादी के कपड़े से दुनिया का सबसे बड़ा 150 वर्ग मीटर का मास्क तैयार कर उसे हॉट एयर बेलून से डिस्प्ले किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जनवरी को करेंगे। इसका मुख्य मकसद विश्व को कोरोना का डटकर मुकाबला करने का संदेश देना है। सब्जी मंडी के पास झुग्गी बस्ती में आग 3 झुलसे। जी हां, लखनऊ के विकास नगर की टेढ़ी पुलिया स्थित सब्जी मंडी के पास झुग्गी बस्ती में रविवार रात करीब 10:30 बजे आग लग गई। झोपड़ियों से धुआं और तेज लपटे निकलती देख लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। किसी तरह अंदर मौजूद लोग भागकर बाहर निकले। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर 1 घंटे में काबू पाया। हादसे में 3 झोपड़ियां जल गई और 2 बच्चों सहित 3 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिल्म शूट करने वालों ने सड़क पर डाली पीपीई किट, नगर निगम ने वसूला 50,000 रुपये का जुर्माना। जी हां, महात्मा गांधी वार्ड में रविवार को फिल्म शूट करने वालों ने कई पीपीई किट सड़क पर फेंक दी। इसकी शिकायत के बाद नगर निगम ने गंदगी और संक्रमण फैलाने को लेकर 50,000 रुपये जुर्माना वसूला। नगर निगम ने जोनल अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि महात्मा गांधी वार्ड में सरोजनी नायडू मार्ग पर घोड़ा अस्पताल के पास एक बंगले में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। शूटिंग करने वालों ने इस्तेमाल की हुई काफी पीपीई किट सड़क पर खुले में फेंक दी। इसकी शिकायत भी आई, निरीक्षण के दौरान मामला सही निकला। इस पर उनको ऐसा करने से मना किया गया तो शूटिंग करने वाले भड़क गए। लखनऊ के होटल रुद्रा इंद में चल रहा था सेक्स रैकेट, मुक्त कराई गई लड़कियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, विभूति खंड पुलिस ने रविवार देर रात एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुराने थाने के पीछे संचालित होटल रुद्रा इंद में छापा मारकर पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट में गैर प्रांत की युवतियां शामिल है। पुलिस आयुक्त ने इस मामले की जाँच ACP विभूति खंड स्वतंत्र कुमार सिंह को सौंपी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।